हेलो फ्रेंड्स, मैं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये रोजगार समाचार है सितंबर 2019 के फर्स्ट वीक का। ये पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन वीडियो मैंने पिछले सप्ताह दिया था और इसमें 20 विभागों में देश भर के उसमें बंपर वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन है और इसे केंद्र सरकार द्वारा जारी इम्प्लॉयमेंट न्यूज से तैयार किया गया है। मैं यहाँ बता दूँ कि शॉर्ट में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, डिटेल देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। पहली वैकेंसी है RRC नॉर्दर्न रेलवे से। यहाँ पर 118 पद हैं मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए, कैटरिंग के लिए। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए 10th या ITI या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ओके, अप्लाई जो शुरू होगा वो अभी से अप्लाई नहीं चल रहा है, 14 सितंबर को इसका फाइनल नोटिफिकेशन आएगा। अभी शॉर्ट में नोटिफिकेशन आया है, फाइनल नोटिफिकेशन 14 सितंबर को आएगा और उसी समय से फॉर्म भरा जाएगा। एग्जामिनेशन फी 100 रुपीज़ है और सैलरी लेवल 1 की मिलेगी, जिसे ग्रुप डी में मिलती है, और डिटेल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है। अगली भर्ती ईस्ट सेंट्रल रेलवे से है। यहाँ पर 21 पद हैं लेकिन वो स्पोर्ट्स कोटा के लिए। योग्यता होनी चाहिए 12th या ग्रेजुएशन प्लस स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो होनी चाहिए। एज लिमिट है मैक्सिमम 25 साल। लास्ट डेट है 15 सितंबर फॉर्म भरने के लिए। एग्जामिनेशन फी 500 रुपीज़ है फॉर जनरल और OBC एंड 250 रुपया है SC ST एंड वुमेन के लिए। सैलरी मिलेगी अच्छी खासी 19,900 रुपये से लेकर 29,200 रुपये पर मंथ। इसका फॉर्म लेकिन ऑफलाइन भरा जाएगा, तो इसका फॉर्म आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लो, वहाँ जाओगे आप तो इसका फॉर्म भी मिल जाएगा। अगली भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से है, यानी SSC। यहाँ पर GST एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। GST का मतलब होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए डिप्लोमा या डिग्री या PG। ओके, तो कोई भी डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट है मैक्सिमम 30 इयर्स। लास्ट डेट है 26 सितंबर 2019। एग्जामिनेशन फी 100 रुपीज़ है और सैलरी बेहतरीन है, 1.5 लाख तक चली जाती है। इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है तो आप लोग भर सकते हो और डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर दें, आपके लाइक से मेरा उत्साह बढ़ता है। तो अगली भर्ती है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन से, यानी MPSC से। यहाँ पद हैं 435 लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री इन वेटनरी साइंस। मैक्सिमम एज लिमिट है 38 ईयर फॉर अनरिजर्व और 43 ईयर्स है फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए। लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए 13 सितंबर 2019। एग्जामिनेशन फी है 374 रुपये फॉर जनरल एंड OBC और 274 रुपये फॉर SC एंड ST, और सैलरी बेहतरीन है, 2.25 लाख तक सैलरी चली जाएगी आपकी। इसके लिए फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से है, HSSC से। यहाँ पर लगातार वैकेंसी आ रही है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं तो वहाँ पर काफ़ी वैकेंसी चल रही हैं। तो 7,070 पद हैं इस वक्त। PGT लाइब्रेरियन, स्टोर कीपर, इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर टेक्नीशियन एंड अदर्स के लिए। योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन या BTech या BSc या डिप्लोमा इंजीनियरिंग या PG विद BEd। तो कोई भी डिग्री हो तो संबंधित पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 17 से 42 साल। लास्ट डेट है 14 से 18 सितंबर 2019। एग्जामिनेशन फी 150 से 500 रुपये है और सैलरी अच्छी खासी है, 1.5 लाख तक सैलरी पहुँच जाएगी। इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करके फॉर्म फिल कर सकते हो। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि उनके यहाँ वैकेंसी क्यों नहीं हम बता रहे हैं। देखिए, आपके यहाँ वैकेंसी जब आएगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा स्टेट गवर्नमेंट के। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में जो भी वैकेंसी है उसमें भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देखो, जहाँ चुनाव है वहाँ बहुत वैकेंसी आ रही है। आपने देखा हरियाणा में ढेर सारी वैकेंसी आ रही है क्योंकि वहाँ चुनाव है। आपके यहाँ अभी कोई चुनाव नहीं है तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और वहाँ पर जैसे ही कोई वैकेंसी आती है तो मैं आपको बताऊँगा मध्य प्रदेश के वालों के लिए, और दूसरे राज्य जो भी हैं उनके लिए भी मैं यही बात बोल रहा हूँ। और एक और बात कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगली भर्ती है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से, यानी MDL मुंबई में। यहाँ पर 1980 पद हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। योग्यता होनी चाहिए 10th प्लस ITI या 12th प्लस डिप्लोमा। एज लिमिट है 18 से 38 साल। लास्ट डेट है 5 सितंबर। एग्जामिनेशन फी 100 रुपीज़ है फॉर जनरल एंड OBC और फी नहीं लगेगा SC ST और PWD के लिए। सैलरी मिलेगी भर्ती होने के बाद 13,200 रुपये से लेकर 83,100 रुपये पर मंथ। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से है, यानी MCL नागपुर में।
यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव के पद हैं 168। कौन कौन से पद हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, असिस्टेंट अकाउंट्स है, टेक्नीशियन है, कई तरह के टेक्नीशियन, असिस्टेंट एचआर है, मशीनिस्ट है, टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर है, अकाउंटेंट है, फोरमैन है। तो इतने तरह के पद हैं और इसके लिए योग्यता जो मांगी गई है 10th प्लस ITI या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या BA या BCOM या BSc या BBA या BBM या BSW या CA या ICAW या PG, तो जिसमें आप फिट बैठते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल, लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए 21 सितंबर। एग्जामिनेशन फी 100 रुपीज़ है और सैलरी ठीक ठाक है। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है, तो फॉर्म भरने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। अगली भर्ती भी यहीं पे है, MCL नागपुर में ही, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव पद हैं, 88 एग्जीक्यूटिव पद हैं। कौन कौन से पद हैं वो भी देख लें, तो डिप्टी जनरल मैनेजर, सीनियर जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैकेनिकल इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट, प्रोग्रामर, ड्रिल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अकाउंट्स ऑफिसर, HR ऑफिसर वगैरह वगैरह। ओके, और इसके लिए योग्यता ढेर सारी है, BE या BTEC या MSc या MTEC या CA या ICAW या MBA या LLB या बैचलर्स डिग्री नॉर्मल भी या BSc या इसके अलावा कुछ और भी डिग्रियां मांगी गई है। तो जिसमें आप फिट बैठते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर है, लास्ट डेट है 21 सितंबर। फ़ी जो है 100 रुपीज़ है जनरल और OBC के लिए, और फी नहीं लगेगा SC ST PWD के लिए, और सैलरी बेहतरीन है, करीब देख रहे हैं 2,40,000 तक सैलरी चली जा सकती है। इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। देखिए ये जो है ये सरकारी कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है केंद्र सरकार की। अगली भर्ती बिहार पुलिस से है, यहाँ 2,446 पद हैं, सब इंस्पेक्टर, दरोगा, सर्जेंट एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए। योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन, एज लिमिट है 20 से 37 साल फॉर मेल और 20 से 40 साल फॉर फीमेल। लास्ट डेट है 25 सितंबर, एग्जामिनेशन फी 700 रुपया है, जनरल OBC EWS एंड अदर्स। ओके, और SC ST के लिए 400 रुपया फ़ी है और सैलरी अच्छी खासी है, 1,12,000 तक सैलरी चली जाती है। इसका फॉर्म ऑनलाइन भर जा रहा है, ढेर सारे लोग भर रहे हैं और दूसरे राज्य के लोग भी भर सकते हैं इसके लिए, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ बिहार के लोगों को ही मिलेगा। अगली भर्ती वेस्ट बंगाल पुलिस में है, यहाँ 688 पद हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन, एज लिमिट है 20 से 27 साल, लास्ट डेट है 9 सितंबर, एग्जामिनेशन फी 270 रुपया है और सैलरी मिलेगी अच्छी खासी, आप देख रहे हो। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जाएगा। अगली भर्ती इंडियन नेवी से है, यहाँ पर 14 पद हैं, MTS पेस्ट कंट्रोल वर्कर, कुक और फायर इंजन ड्राइवर के लिए। योग्यता होनी चाहिए 10th पास, एज लिमिट है 18 से 30 साल, लास्ट डेट है 13 सितंबर, फ़ी नहीं लगेगा, बहुत बेहतरीन बात है, और सैलरी अच्छी खासी है, 56,900 तक सैलरी चली जाती है। लेकिन इसका फॉर्म ऑफलाइन भरना होगा, तो फॉर्म का डिटेल आप नीचे डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो, वहाँ पर जाओगे तो फॉर्म और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगा एक साथ है। अगली भर्ती UP SSSC से है, यहाँ पर 486 पद हैं असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के लिए। योग्यता होनी चाहिए 10th पास विद ITI। ओके, और एज लिमिट है 18 से 40 साल, लास्ट डेट है 4 सितंबर, एग्जामिनेशन फी 185 रुपया है और सैलरी मिलेगी भर्ती होने के बाद 5,200 से 20,200 रुपये पर मंथ। इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। अगली भर्ती उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन देहरादून से है, यहाँ पर 401 पद हैं दफ्तरी कार्यालय चपरासी वगैरह के। योग्यता होनी चाहिए 8वीं पास, एज लिमिट है 18 से 42 साल, लास्ट डेट है 19 सितंबर, एग्जामिनेशन फी 600 रुपये है फॉर जनरल एंड OBC और 400 रुपये है SC ST के लिए। विकलांगों के लिए जो निःशक्त हैं उनके लिए फ़ी नहीं लगेगा। सैलरी मिलेगी भर्ती होने के बाद 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ। इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से है, यानी PSPCL, यहाँ पर 1798 पद हैं, LDC इंजीनियर, स्टेनोटाइपिस्ट, आपको इंटरनल ऑडिटर, अकाउंट्स ऑफिसर एंड अदर्स। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन या BE या BTEC या BSc या डिप्लोमा। एज लिमिट है 18 से 37 साल, लास्ट डेट है 9 सितंबर, एग्जामिनेशन फ़ी काफ़ी ज़्यादा है 1,000 रुपये फॉर जनरल एंड OBC और SC ST के लिए 400 रुपये और PWD के लिए 500 रुपये है, और सैलरी ठीक ठाक है। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से फॉर्म चेक कर सकते हो।
अगली भर्ती है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी GIC से है। यहाँ पर 25 पद हैं असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए। योग्यता होनी चाहिए BCom या BE या BTech या MCA या LLB या BL या ग्रेजुएशन या PG, कोई भी डिग्री हो संबंधित पद के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे डिटेल देख लेना आप डिस्क्रिप्शन में। एज लिमिट है 21 से 30 साल। लास्ट डेट है 11 सितंबर। एग्जामिनेशन फी 500 रुपये है फॉर जनरल एंड OBC और फी नहीं लगेगा SC ST PWD के लिए। और सैलरी मिलेगी भर्ती होने के बाद 32,795 रुपये से लेकर 62,315 रुपये पर मंथ। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से है। ये जूनियर इंजीनियर के लिए भर्ती चल रही है 19 डिपार्टमेंट और कमीशंस में देश भर के जो केंद्र सरकार के हैं उनमें। योग्यता होनी चाहिए इसके लिए BE या BTech या डिप्लोमा इंजीनियरिंग। मैक्सिमम एज लिमिट है 32 साल। फी है इसके लिए एग्जामिनेशन फी वो 100 रुपीज़ है और लास्ट डेट है इसके लिए 12 सितंबर और सैलरी अच्छी खासी है। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है। तो दोस्तों ये था रोजगार समाचार सितंबर फर्स्ट वीक का पार्ट 2। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, अब हर संडे की रात को 8 बजे हम लोग ये अपलोड करते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब मिलते हैं अगले रोजगार समाचार में नेक्स्ट संडे की रात 8 बजे।